सदन में भी आवाज उठाई, क्या लगा, और स्पीकर आहत भी दिखे। मुझे लगता है कि आज सदन की पहली पारी में जो सदन का माहौल था, मुझे लगता है इससे ज़्यादा मार्मिक, इससे ज़्यादा पीड़ादायक, इससे ज़्यादा गंभीर और इससे ज़्यादा मतलब चिंतित मुझे लगता है हम लोगों ने कभी नहीं देखा। सरकार लगातार विपक्ष पर ये सवाल खड़ा करता है कि विपक्ष सत्ता नहीं चलने, सदन नहीं चलने देता। आप देख रहे हैं कि विगत बजट सत्र शुरू से ही कितना सुचारू रूप से ये सदन चल रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता, सरकार की गंभीरता, सरकार की हठधर्मिता, अहंकार, सरकार की अहंकार और मुख्यमंत्री जी का जो अकड़पन है, उस अकड़पन का को भाजन राज्य के कई वर्ग तो खेल ही रहे हैं। और आज जीता जागता जेपीएससी का विषय सत्र शुरू होने से पहले और सत्र शुरू होने के साथ ये सवाल सदन में रखा गया था, सरकार गंभीरता से इस विषय को ले, लेकिन सरकार बिल्कुल अपने बहुमत के घमंड में चूर और आज उसका फलाफल आप देख रहे हैं। अनेकों जेपीएससी के छात्र छात्राएं सड़कों पर हैं, रात भर एक संवैधानिक तरीके से गांधी जी की तस्वीर के समक्ष अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी मान्य विधायक, मंत्री, सांसद, सभी लोगों के घर पर जा जा करके उन लोगों ने हाथ पैर जोड़े, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकला। और जिस प्रकार ये राज को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ रखा है, उसी प्रकार यहाँ के नौजवानों की भविष्य को भी सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ रखा है। अगर सब कुछ भगवान ही भरोसे होना है तो सरकार का क्या उचित। मुझे तो लगता है कि इस सरकार को अब खुद भी नैतिकता के आधार पर कुर्सी में बने रहने का अधिकार तो है नहीं, क्योंकि अब सरकार जबरदस्ती और एन केन प्रकारेन अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। सत्ता पक्ष के लोगों के सवाल और मंत्रियों के जवाब के आईने में सरकार अगर अपना चेहरा नहीं देखना चाहती है तो यह स्पष्ट है कि चुनावी साल है 2019। जनता खुद ब खुद इनको पूरा तस्वीर, पूरा आईना दिखा देगी। बढ़िया से ये स्पीकर का यह कहना कि सदन को अब बंद कर देना चाहिए, इसके बाद क्या बचता है? मैंने कहा आपको शुरू में ही, सरकार इस सदन की गंभीरता, सदन की जो मर्यादा है, मुझे लगता है कि आज स्पीकर ने, माने स्पीकर ने जो भूमिका निभाई है और इस भूमिका पर सरकार और सरकार के मुखिया का जो दबाव देखने को मिला है वो भी अप्रत्याशित है। मुझे लगता है कि स्पीकर को भी अब इतना कुछ हो जाने के बाद, मुझे लगता है कि स्पीकर को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री को ही स्पीकर बना देना चाहिए।